डॉक्टर भी बनाना है, साइंटिस्ट भी बनाना है. आर वी प्रिपेयरिंग किड्स फॉर लाइफ? डिग्री, ग्रेड्स और प्रोफेशन की एक दौड़ लगी हुई. पेरेंट्स क्यों पुश कर रहे हैं अपने बच्चों को इतना ज्यादा? एक सिलेबस है, पेरेंटिंग है, हम उसी को फॉलो करते हैं. एक बैलेंस रिक्वायर्ड है. अगर उनको ज्यादा रोकोगे ना और करेंगे वो चीज. आप लोगों से मैं पूछूंगी कि आप लोग चाहते क्या है अपनी जिंदगी में. आपका बच्चा किस चीज में इंटरेस्टेड है उस चीज पे फोकस करें ज्यादा. लीविंग ऑन देम टू मेक चॉइसेस. डॉक्टर भी बनाना है, साइंटिस्ट भी बनाना है, पब्लिक स्पीकिंग भी सिखानी है, क्रिएटिव राइटिंग भी सिखानी है, कोडिंग भी आनी चाहिए, आर्टिस्ट भी बनाना है और स्पोर्ट्समैन भी बनाना है. इतना कुछ अपने बच्चों को बनाने के चक्कर में कहीं हम अपने आप को तो नहीं बना रहे? आज मॉमकास्ट के इस एपिसोड पे हम एक दूसरे को रियलिटी चेक देने वाले हैं और ये सवाल पूछने वाले हैं कि आर वी प्रिपेयरिंग किड्स फॉर लाइफ? I don't think so. We are not preparing our kids for life. इसका मतलब तुम अपने आप को बना रही हो? नहीं, मैं अपने आप को नहीं बना रही, मैं अपने बच्चों को बना रही हूँ. बट क्या बना रही हो? जस्ट अ क्वेश्चन अगेन, उसी क्वेश्चन पे एक और सवाल है कि क्या आपका बच्चा आज आपके बगैर एक पूरा दिन गुजार सकता है ऑन देयर ओन? नहीं. उसका रीजन क्या है यार? मतलब आप क्या ऐसा बीच में छोड़ रहे हैं जो आपका बच्चा लाइफ के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं है? Exactly, अच्छा ही कभी है. हमने मेरे ख्याल में ऐसा सोचा ही नहीं. हाँ. और मैंने तो ऐसा किया कि अपने बच्चों को अपना बच्चा ही नहीं समझा. सीरियसली ऐसा क्यों यार? मैंने अपने बच्चों को दुनिया वालों का बच्चा, अपने शोहर का. हाँ. अपने सास का, अपनी अम्मा का, और मतलब उन सब का समझा हुआ था. सिर्फ अपना बच्चा नहीं समझ रही थी और मैंने ये सोच लिया था कि मुझे इनके तकाजों पे पूरा उतरना है. सो बेसिकली तुम अपने हिसाब से पेरेंटिंग नहीं कर रही थी और जो दुनिया वाले जो दुनिया वालों ने सेट कर दी थी आप उसके हिसाब से पेरेंटिंग कर रही थी. एंड देन यू रियलाइज के बच्चे लाइफ के लिए तो प्रिपेयर्ड नहीं है बिल्कुल भी. ऐसा ही है. एंड वी डोंट नो एज अ पेरेंट वी आर अलाइव नेक्स्ट डे और नॉट. एग्जैक्टली यही बात है फरियाल के. मुझे नहीं पता कि अगर मैं कल को नहीं होती तो मेरे बच्चे किस पे डिपेंड करेंगे और किस तरह से सर्वाइव करेंगे. बिल्कुल. एंड आई प्रिपेयरिंग देम फॉर दैट थिंग? और लाइक जो लाइफ स्किल्स की बात करते हैं जो एक इंसान को सर्वाइव करने के लिए चाहिए होता है या वो जो स्किल्स जो हमें सिखानी चाहिए वो हम प्रिपेयर कर रहे हैं कि नहीं? बीरज, मैंने तो सबसे पहले अपने बच्चों को जो मेरे दिमाग में सवाल पैदा हुआ वो ये हुआ कि मैं ये क्या कर रही हूँ, मतलब मैं किसकी सुन रही हूँ, मैं कर क्या रही हूँ. तो मुझे रुकना है थोड़ी देर. हाँ. और मुझे सवाल करने कुछ अपने आप से कि मैं वेदर ठीक भी कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ. तो सबसे पहला जो मैंने काम किया वो तो भाई मैंने ये किया कि मैंने अपने बच्चों को ये कहा कि तुम लोग अब आज़ाद हो जाओ. हाँ. मैं अब वाकई में तुम लोगों को अपना बच्चा समझूंगी. तो मैंने तो बीनेश अपने बच्चों से ये कह दिया कि आज के बाद से बेटा आप लोगों से मैं पूछूंगी कि आप लोग चाहते क्या है अपनी जिंदगी में और मैं नहीं बताऊंगी. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने अपने बच्चों की लाइकिंग के अकॉर्डिंगली अगर आपको स्टेप ले रहे हैं. हाँ. या आपको पता है आपका बच्चा किस चीज में इंटरेस्टेड है. हाँ. और आप उस चीज पे फोकस कर रहे हैं ज्यादा. फरियाल लिटरली मैंने उनको ये बोल दिया कि भाई तुम लोगों ने ओ लेवल्स करना है. हाँ. मैट्रिक करना है. हाँ. नहीं करना है. अवार्ड दो यार इसको. अगर तुम लोगों को एंटरप्रेन्योर बनना है भाई तुम लोगों ने एक ठेला लगाना है. लेकिन अगर तुम उसमें हार्डवर्क कर रहे हो, ओनरशिप ले रहे हो, इफ यू आर रिस्पॉन्सिबल तो I will be there to support. बहुत ही आइडियल क्राइटेरिया ये तो कि लीविंग ऑन देम टू मेक चॉइसेस. एग्जैक्टली. लेकिन मुझे लगता है फरियाल इस वक्त जो है ना बच्चों को चॉइसेस दे डोंट इवन नो हाउ टू मेक अ चॉइस. एंड दैट्स लाइक वन ऑफ अ वेरी क्रूशियल लाइफ स्किल. और मुझे लगता है शायद मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे भी नहीं आता था. देखो जब मैंने स्टार्ट में बात की ना सब कुछ कराना है तो वहां ठीक है आपने सब चीजों का एक्सपोजर देना है लेकिन सब चीजें एक साथ नहीं. हाँ. आपके बच्चे का इंटरेस्ट कभी भी एक वक्त में एक चीज पे नहीं रह सकता. ये तो मैं इस बात पे बिलीव ही नहीं कर सकती कि आपके बच्चे का जो है ना इंटरेस्ट हर वक्त एक चीज पे रहता है. दे नीड टू एक्सपेरिमेंटेड विद डिफरेंट थिंग्स so that they reach it to a conclusion कि आखिर इनका इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट के साथ साथ हॉबीज क्या है और आगे वो क्या चीज परसू करना चाहते हैं. और मेरे ख्याल से हमारे साथ भी ऐसा ही है. हम अकेडमिक्स और लाइफ स्किल्स का जो अचार बना रहे हैं ना बिल्कुल वो अचार खाने के काबिल भी नहीं है. इसमें तुमने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है लाइफ स्किल्स की. यार मैं तुम्हें ही चाहूंगी तुम एक्सप्लेन करो कि व्हाट आर लाइफ स्किल्स. अच्छा ये ना बड़ी क्लीशे साउंड करती है कि ये हर कोई इस बारे में बात करता है.
लेकिन बात करने के साथ साथ उसके वाइड एस्पेक्ट्स को कोई नहीं देख रहा. व्हेन इट कम्स टू लाइफ स्किल्स में ना, अगर हम उसको बहुत ही सम अप कर लें तो एक होता है कम्युनिकेशन. बिल्कुल. कम्युनिकेशन में क्या आ गया आपका, कि आप किसी को सिर्फ हैप्पीनेस या एक अच्छी कन्वर्सेशन, हेल्दी कन्वर्सेशन कैसे होल्ड कर रहे हो. हम अब बड़े हुए हैं तो हम अब हमें अब जाके आया है, हमें तो पहले से ही आना चाहिए, है ना. मतलब हमने कितना नुकसान उठाया है इस बात पे, क्योंकि वी डोंट नो हाउ टू इंटरैक्ट और मेक अ हेल्दी कन्वर्सेशन. एग्जैक्टली. अभी भी हम अगर सोशल मीडिया पे या नॉर्मली भी देखें तो लोगों को कम्युनिकेट करने नहीं आता, और जो हमारी 21st century स्किल्स है उसमें कम्युनिकेशन टॉप पे आती है. एग्जैक्टली. कि किस तरह से, और इट्स नॉट जस्ट वही हेल्दी कन्वर्सेशन में क्या होगा, सिर्फ आपको सब आपकी तारीफें नहीं करेंगे, लोग आपको क्रिटिसाइज भी करेंगे, लोग आपको नेगेटिव फीडबैक भी देंगे. क्या हमारे बच्चों को नेगेटिव फीडबैक पे रिस्पॉन्ड करने आता है? यार मैं तो समझ रही हूँ कि कम्युनिकेशन तो खत्म ही हो गई है ना बच्चों की, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट मुझे 2 साल हमारे गुजरे और मैं उस पर स्ट्रेस इसलिए ज्यादा कर रही हूँ बिकॉज डिवाइसेस केम इन एंड पीपल वेंट आउट. सोशल स्किल्स मिसिंग हो गई ना, सोशल स्किल्स मिसिंग हो गई. और अब आपका बच्चा कहीं अगर कहीं दावत में जाता है तो सबसे पहले या तो उसको घर जाने की जल्दी होती है या फिर उसको कोने में बैठ के डिवाइस चाहिए. यार ये तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, मेरे नहीं समझ में आ रहा. मेरे बच्चे तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है. वो जब किसी महफिल में जाते हैं वहां पे वो तो शुरू हो जाते हैं. महफिल में क्या जाते हैं, कोई घर आ जाए लाइक उसका पीछा पकड़ लेते हैं. और वो छोड़ते नहीं है. जब भी से मिलती हूँ अहमद इतना ज्यादा इंटरैक्ट करता है कि मुझे लगता है कि एज एन एडल्ट मुझे नहीं पता कि किस तरह इंटरैक्ट बैक करना है. और यू नो मुझे उनको एट टाइम्स रोकना पड़ता है कि भाई स्टेज से उतर जाओ, दूसरों को भी कुछ करने दो, मतलब काम डाउन बेटा, अभी आपको टाइम मिलेगा. यार तस्मिया तुम ये जो ओनरशिप की बात कह रही हो, मुझे एक बात बताओ कि व्हाट एक्चुअली हेल्प्ड यू to make this bond stronger with your kids. मीनज मैंने पहले तो ये डिसाइड कर लिया कि मैंने अपने आप से वाई वाले क्वेश्चंस पूछने कि मैं जो कर रही हूँ वो मैं कर क्यों रही हूँ. मैंने फिर अपनी डायरेक्शन चेंज करी और फिर मैंने होम स्कूलिंग का फैसला लिया. दैट्स गट्सी. क्योंकि मुझे अंदर से सुकून नहीं मिल रहा था. आई वॉज सो डिस्टर्ब. बस मैं करे तो चली जा रही थी लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं ये क्यों कर रही हूँ और आगे इसका रिजल्ट क्या निकलने वाला है. मुझे इस पर एक बड़ी खूबसूरत कुरान की आयत याद आ रही है कि वो आपसे निशानियां तो मांगते हैं लेकिन जमीन और आसमान में कितनी ही ऐसी निशानियां हैं जिन पर से वो गुजरते हैं लेकिन वो उनको फिर भी इग्नोर कर देते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी लाइफ स्किल्स, ऐसी चीज़ें बच्चों के अंदर पैदा करना जो कि उनको सोचने पर मजबूर करें, तो मेरा यही उनके साथ रहा है कि मैं उनको गौर व फिक्र की जो है ना बार बार इनविटेशन देती हूँ कि व्हाट इज दैट थिंग विच विल मेक देम थिंक. ऐसा लिटरेचर उठाना, ऐसी जो है उनसे बातचीत करना कि क्या चीज़ है जो तुम्हें गौर करने पर मजबूर करती है, जो सर्कमस्टांसेस तुम्हारे सामने आ रहे हैं ज़िंदगी में तुम उनको क्या समझते हो, उसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनको आइडेंटिफाई कैसे करते हो, एंड देन हाउ डू यू सॉल्व दोस प्रॉब्लम्स. पूरी जिंदगी आपकी इसके अराउंड घूमती है. बट अभी मेरी थोड़े दिन पहले अपनी एक फ्रेंड से बात हो रही थी. शी इज मैनेजिंग HR डिपार्टमेंट, शी इज हेडिंग इट, और उसने काफी मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ काम किया है. तो मैंने उससे ऐसे ही रैंडमली पूछा कि यार तुम, जाहिर सी बात है वो एक हायरिंग प्रोसेस उसके थ्रू गुजरता है, तो व्हाट यू नो थिंग्स यू आर फाइंडिंग के वो लैक कर रही हैं जब तुम हायरिंग प्रोसेस से गुजर रही हो, तो यंगस्टर्स में कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो लैक कर रही हैं. एंड यू नो उसने क्या जवाब दिया, उसने कहा कि यार यंगस्टर्स को प्रॉब्लम सॉल्विंग ही नहीं आती. प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं आती आपको, ये स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं आती, आइडियल वैल्यू, टाइम की वैल्यू ही नहीं है लोगों को. एंड आई थिंक ये बड़ी क्रूशियल लाइफ के लिए, जैसे तस्मिया ने एक और चीज कही कि आइडेंटिफाई करें और उसके ऊपर गौर और फिक्र करें, तो वो हमारे अंग्रेजी में जो सीज हैं, हमने कम्युनिकेशन पे बात की, हम ये क्रिटिकल थिंकिंग पे आ जाता है, फिर कोलैबोरेशन है हमारा, क्रिएटिविटी है, तो क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग तो यहाँ आ जाती है. प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें, मुझे लगता है कि क्यों हम नहीं कर पा रहे. हम इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हम ना हमारे बच्चों के साथ जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं हम उनको फिक्स कर देते हैं. If our child is bringing a problem to us, कोई भी उसके साथ मसला हो, हमारे ऐसी सिचुएशन में दो रिस्पॉन्सेज होते हैं, या तो हम उसको हुशवे कर देंगे, बाद में बात करेंगे, जाओ हम बिजी होंगे, हम डांट देंगे, हम उसको अनडिवाइडेड अटेंशन तो बिल्कुल नहीं देंगे, एक ये रिस्पॉन्स होगा. दूसरा हमारा ये होगा कि हम ऐसे कोई प्यार से और लाड से वो पूरा प्रॉब्लम फिक्स करके दे देंगे. अच्छा ये मसला है, ओके यार इस पे मैं बहुत ही इस पे मैं एक हार्श बात करूंगी. अब हो सकता है बहुत सारे लोगों को बहुत बुरा लगे. नहीं, करो करो करो. हाथ जुड़े हुए दिख रहे हैं आपको, ये मेरे ये हाथ जोड़ लिया मैंने जेंटल पेरेंट्स के लिए.
यार जेंटल पेरेंट्स ने ना, देखो जेंटल पेरेंटिंग इज जेंटल पेरेंटिंग बहुत वाइड एस्पेक्ट है, उसको सीखना जरूरी है, इट इज वेरी मच लेजिट, बट आप उसको सीखें तो सही, आप उसमें से ना एक पार्ट उठा लेते और उसको जेंटल कर रहे हैं, जेंटल और पेरेंटिंग का पूरा पार्ट आप मिस कर देते हैं। जेंटल पेरेंटिंग की तुम बात करियो ना, मैंने जेंटल पेरेंटिंग पे ही ये प्रॉब्लम फिक्सिंग वाली बात, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली बात, प्रॉब्लम्स देखे हैं लोगों के डिसरिस्पेक्टिंग चिल्ड्रन, और वो नहीं उसके साथ आप बुरा करेंगे तो वो आपके साथ बुरा करेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द एज, बिकॉज़ यू आर फिक्सिंग द प्रॉब्लम रॉन्ग वे, यू आर फिक्सिंग अ प्रॉब्लम रॉन्ग वे, उसका एक तरीका है जो जेंटल पेरेंटिंग वाले ही सिखाते हैं। पर यार सॉरी टू कट यू, लेकिन अगर मैं इसको फ्रेम कर दूं तुम दोनों की बात को, तो मुझे ऐसा लगता है, ये एग्जांपल मैं और लोगों को भी देती हूँ, कि जब बच्चा एक स्टेजेस से गुजर रहा है ना, छोटे से वो बड़ा हो रहा है, तो जब बच्चा छोटा है तो मैं उसकी चीयर लीडर बनूंगी, ठीक है, मैं खड़ी होंगी, मैं तालियां भी बजाऊंगी, मैं कहूंगी ओके कम ऑन यू कैन डू इट, थिंग्स लाइक दैट, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो रहा है और वो आगे के मराहिल तय कर रहा है, तो मुझे वहां पे उसका कोच बनना पड़ेगा। यस सो द माय पॉइंट इज, माय थिंकिंग इज दैट योर रोल कीप्स चेंजिंग throughout the parenting cycle. But the point is, are you learning to be, in that role? मैं as a mother बात कर रही हूं, तो हमने क्या किया, हमारे पास भी ना एक सिलेबस है पेरेंटिंग का, SOPs हैं, हम उसी को फॉलो करते हैं और हम समझते हैं ठीक है, टिक टिक टिक। तो वो जेंटल पेरेंटिंग की, जब मैं उस पर वापस इसलिए इंडोर्स करना चाह रही हूँ कि भाई ये लोग ना समझे कि हम स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग की बात कर रहे हैं, मैंने पहली बात ही उसके बाद यही की है कि उसमें वो यही सिखा रहे हैं कि आप अपने बच्चे के साथ अगर उसको कोई प्रॉब्लम आया है तो उसको डायरेक्ट फिक्स ना कर दें, आप उसको मौका दें, जैसे तस्मिया ने कहा कि आइडेंटिफाई, ब्रेनस्टॉर्मिंग, लॉजिकल डिस्कशन, मेक देम किस तरीके से आपका बच्चा, हाँ मेक देम डिसाइड, उससे क्या होगा कि आपके बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग बढ़ेगी, क्रिएटिविटी, सब एक ही चीज में आ रहा है ना। सही एक प्रॉब्लम आया, आपने उसको कैसे फिक्स किया, हम क्या करते हैं, रिएक्ट कर देते हैं, हमें रिस्पॉन्ड करना नहीं आता। दिस इज फॉर दोस जो बिल्कुल अपने बच्चों को आइडियल सिनेरियोस दे रहे हैं और उसमें फिर बच्चे ग्रो नहीं कर पा रहे, उनको टफ पता ही नहीं है कि लाइफ में टफनेस क्या है, उनको यही नहीं पता कि अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाओगे, फॉर एग्जाम्पल यार चलो मैं एक अपनी एग्जाम्पल दे देती हूँ कि मेरे लिए सर्वाइवल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर सर्वाइवल स्किल्स, लाइक आपको अपना खाना खुद बनाना आता हो, आप अगर आपके कपड़े आपके पास मैले हैं वो आप खुद उनको ऑर्गेनाइज कर सकें, आप लॉन्ड्री खुद कर सकें, आप अपनी, आपको पता हो कि क्या चीज रिक्वायर्ड है आपकी लाइफ में राइट नाउ, अपनी रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करना। माय 9-year-old इज इंडिपेंडेंट एंड मेक्स रोटी हरसेल्फ, एंड बॉयज शुड नो हाउ टू डू इट टू। एग्जैक्टली, इट सबको आना चाहिए। मैं रोल डिफाइन करना आपको जरूरी है कि आप और बच्चे का इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट था इस साइड पे तो मैंने उसको फैसिलिटेट कर दिया। माय एल्डर वन वांट्स टू डू डिशेस, तो मैं कहती हूँ उसको वॉशिंग का काम सेटिस्फाइंग लगता है, तो मैंने कहा चलो बेटा डिशेस करते हैं। बट यार मुझे लगता है कि ये सारी जो प्रॉब्लम है ना, ये अराइज हो रही है माइंडसेट से। अगर आपका माइंडसेट ही ये नहीं है कि आपने इस तरह से काम करना है या अपने बच्चों को इसलिए तैयार करना है या आपने खुद इन चीज़ों पे वैल्यू करना है, तो ये कभी नहीं होगा। मैंने लोगों को बोलते हुए ये सुना है कि भाई हमारा तो यही तरीका है, हम तो नहीं कर सकते बच्चों से इस तरह बात, हम तो बच्चों को रोक नहीं सकते, हम तो बच्चों को टोक नहीं सकते, और अगर उनको ज्यादा रोकोगे ना तो फिर वो और करेंगे वो चीज़। आई मीन ये सेंटेंसेस सुन सुन के मैं इतना वो हो जाती हूँ कि आई डोंट नो हाउ टू कोप विद इट ना, क्योंकि मुझे तो अपने बच्चों को लाइफ स्किल सिखानी है, मुझे उनको ये बनाना है कि अगर मैं नहीं हूं घर पर मौजूद, आपने चूल्हा कैसे जलाना है, आपने अपना खाना कैसे तैयार करना है, आपके कपड़े कैसे इस्त्री आप कर सकते हैं, जो भी ये सारी चीजें हैं, दिस इज सो इंपॉर्टेंट, एनेबल रिस्क प्ले एज वेल सो दैट दे नो हाउ टू टेक रिस्क एंड एस इट। इवन इसकी वजह से बीनेश एंड फरियाल, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं डिग्री, ग्रेड्स और प्रोफेशन की एक दौड़ लगी हुई है, बस मुझे अपने बच्चों को सिर्फ वो ही सिखाना है, लेकिन ऐसा नहीं था भाई। मुझे ये रियलाइज हुआ कि सबसे पहले तो मुझे ये रियलाइज खुद करना है, मुझे रोल मॉडलिंग करनी है बहुत अच्छी, खुद अपना समझकर, एंड देन व्हाट आई हैव टू शो इट टू माय किड्स इज कि मैं उनके साथ कुछ रिफ्लेक्टिव और मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस में उनको इंडल्ज करूं और उसके थ्रू ये सारे मैसेजेस उनको कन्वे किए जाए। सो वन मोर थिंग दस्मिया, आई वुड लाइक टू ऐड हियर कि मैं बच्चों को ना थोड़ी बजटिंग भी सिखाती हूँ। वाओ दैट्स ग्रेट। और उसका ये है कि पॉकेट मनी हम सब देते हैं, ठीक है, वी गिव पॉकेट मनी टू देम, दे सेव इट, ईदी मिलती है वो मैं वो सेव करते हैं, मैं नहीं उसको हड़पती है। तो वो उनकी जो सेविंग चलती है दे देते हैं तुम्हें? नहीं वो मुझे नहीं देते, दे सेव इट बाय देमसेल्फ। अच्छा, उनको खुद रियलाइज कराना कि क्या चीज कितने रुपए की आती है, लाइक वैल्यू ऑफ मनी समझाना,
और उस पे फिर जब वो कैलकुलेट करते हैं और उसको जब एड अप करते हैं तो फिर उनको समझ में आती है कि नहीं, इस काम के लिए तो इतने सारे पैसे रिक्वायर्ड होती हैं, इतनी मेहनत रिक्वायर्ड है, तो उनको रियलाइजेशन होती है कि लाइफ में हर चीज अचीव करना इतना आसान नहीं है. आपको उसके लिए अगर आपको कुछ चाहिए, यू हैव टू वर्क फॉर इट. सो दे वांटेड अ पर्टिकुलर टैब एंड वी सेड कि ठीक है, यू गाइस कम ऑन, सेव इट. अच्छा, मैं इतनी अच्छी अम्मी नहीं हूँ, मैंने उनको नीड्स और वांट्स का डिफरेंस बताया. मैंने उनको ये बताया कि भाई ये पैसे तो है तुम्हारे पास, अब चाहो. बहुत सारे लोग कहते हैं अगर हमारे पास पैसे हैं तो हम अपने बच्चों को ये क्यों ना दिलाएं, हम ये क्यों ना उनकी ख्वाहिश पूरी कराएं. अच्छा, मेरा पर्सनली यही है कि मैं भी रिएक्ट ज्यादा कर लेती हूँ, ये मेरी वीकनेस है. जो होता है कि भाई एक जगह जा रहे ना सुकून से तो बंदा एंजॉय कर ले, और कभी कभी आई गिव इन टू नाजायज ख्वाहिशात जो होती है ना बच्चों की हमारी, कि ये भी दिला दो वो भी दिला दो, तो आई एम लाइक हाँ चलो यार सुकून थोड़ा सुकून कर ले, थोड़ा चल कर ले. बट दिस टाइम वी वेंट समवेयर और वहां पे जो है ना 45 मिनट्स के लिए बच्चों को स्ट्रेट स्टिल मुझे बिठाना था. तो पहले तो मैंने सोचा कि मैं बाहर से उनको स्नैक्स दिला दूं और मैं उनको पैसे दे दूं एंड दे कैन ब्रिंग, क्योंकि वो जिद शुरू हो गई थी. तो मैंने कहा आज तो मैं इनकी भूख मैनेज करूंगी, बिकॉज आई नीव इट कि ये लोग घर से खा के आए और अब जो भूख लग रही है ना वो सिर्फ जूस और चिप्स की लग रही है. तो बीनेश ने स्टैंड ले लिया, तो मैंने स्टैंड ले लिया फाइनली, और मैंने ये कहा कि भाई हम पहले यहाँ बैठेंगे 45 मिनट्स, निकलते हुए हम देखते हैं. जब 45 मिनट्स हो गए और हम बाहर निकले तो वो जो पॉपकॉर्न इनको चाहिए थे दैट वॉज लाइक अ स्मॉल पैक फॉर 200 रुपीज. मैंने कहा बेटा ये तो नहीं मिलने वाले, 200 रुपए के पॉपकॉर्न नहीं दिलाऊंगी मैं. तो मैंने साफ कहा, मैंने कहा अब्दुल्ला दिस इज लाइक फॉर 200 रुपीज, इट्स बेटर दैट आई गिव यू दीज 200 रुपीज एंड यू बाय समथिंग मोर बेटर एंड मोर वैल्यूएबल फ्रॉम अ शॉप आउटसाइड या कहीं बाहर से तुम कुछ ले लो. वैल्यू ऑफ मनी, अब उससे दो चीजें हुई कि एक तो वैल्यू ऑफ मनी उससे समझ आई, उसने बिल्कुल जो है ना मुझसे आर्ग्यू भी नहीं किया, वो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि ये जिद नहीं कर रहा मुझसे. एक और चीज जो हुई वो उसने पेशेंस सीखा कि हर चीज जब वो मांगेंगे उनको फॉरन से We need to set boundaries because अगर आज हम नहीं करेंगे तो कल वो सीखेंगे नहीं, और आगे प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जब इनको अप्स एंड डाउन फेस करने पड़ेंगे कोई प्लेट में रख के सब चीजें इनको नहीं देगा और हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा उनको. इसी लाइफ की बात कर रहे हैं हम. तो ये लोग बहुत सवाल करते हैं कि आपके बच्चे घर के काम कैसे कर लेते हैं, तो मैं कहती हूँ भाई मैं कुछ नहीं करती, मैं सिर्फ उनसे लॉजिकल बात करती हूँ कि इज दिस रिक्वायर्ड फॉर यू, या ये आपकी नीड है, या आप इसको ऐसे इंजॉयमेंट में कर रहे हो, या आप इसको जो है ना टाइम वेस्ट कर रहे हो. अपनी एंटरटेनमेंट या अपनी माइंडफुलनेस के लिए भी कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए कि ये इनका टाइम आउट है. लाइक इफ वी आर टेकिंग देम आउट समवेयर कि किसी अम्यूजमेंट पार्क में, तो दे नीड टू हैव दिस कॉन्सेप्ट एंड दे शुड बी ग्रेटफुल अबाउट इट. इट्स ऑल कमिंग इन होल सर्कल ना. एक बड़ी अच्छी चीज जो ना मैंने थोड़े दिन पहले पढ़ी थी, जिंदगी हर जिंदा के पास नहीं होती, या मुझे वो इतनी हिट की थी वो बात के वाकई हम रोबोटिक. आपके पास जो अभी है एंजॉय द मोमेंट, लिव द प्रेजेंट. हाउ आर यू लिविंग द बेस्ट ऑफ इट? हाउ आर यू लिविंग द बेस्ट ऑफ इट? वी आर नॉट. वी डोंट इवन टीच आवर किड्स हाउ टू कोप अप विद अ फेलियर. मैं एक बात बताती हूँ, वी वेंट फॉर आवर किड्स रिजल्ट डे. ठीक है, हमने रिजल्ट लिया, माय किड केम अप लाइक 7th or 8th, आई डोंट इवन रिमेम्बर, क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट. नहीं हो ना जो परसेंट मार्क्स रिकॉर्ड करके परसेंटेज निकालती हो. देखो मेरे लिए लाइफ स्किल्स इंपॉर्टेंट है, एकेडमिक साथ साथ चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है. सही है, ये होम स्कूल कर रही है तस्मिया, वो भी तो कर रही है ना, वो भी तो किसी किसी सेट पैटर्न के साथ से नहीं कर रही. ठीक है, तो एकेडमिक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, बट देयर फयाल वो चल जाता है, बच्चे कैन कोप अप विद इट, ये हमारा काम नहीं है. देयर आई वाज जस्ट सेइंग कि अच्छा इस सब्जेक्ट की वजह से कम आए हैं, आई एड्रेस्ड माय एल्डर वन के अच्छा इसमें कोई प्रॉब्लम है डिस्कस कर लो अपनी टीचर से एंड देन वी विल कोप अप इन द नेक्स्ट ईयर, उसको अगर इस पे मेहनत की जरूरत है तो. एंड द टीचर वाज लुकिंग एट मी लाइक दिस, उनका लिटरली कुछ गलत तो नहीं कह दिया, तो उस पर शी रिप्लाइड के नहीं, बट मोस्टली पेरेंट्स जिनके बच्चे यहाँ पे सेकंड और फर्स्ट आ रहे होते हैं यार, उनका अगर किसी में मार्क कम आ जाए तो वो जिस तरीके से अपने बच्चों को बैश करते हैं, जिस तरीके से टीचर्स को और सिस्टम को बैश करने पे आ जाते हैं, तो वो इतना प्रेशर क्यों बिल्ड कर रहे हैं आप बच्चों पे? रिएक्शन, नो रिस्पॉन्डिंग, रिएक्शन, पेरेंट्स क्यों पुश कर रहे हैं अपने बच्चों को इतना ज्यादा, जबकि
एक बैलेंस रिक्वायर्ड है हमारी लाइफ। ग्रेड 9 में हमें सब्जेक्ट चूज करना होता था और फिर हमारी डेस्टिनी सेट होती थी जिंदगी के लिए कि आप इधर जा रहे हैं या उधर जा रहे हैं। तो मेरी अम्मी जो कि खुद एक डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे बायो नहीं लेने दी और उन्होंने कहा कि नहीं, आपको अपनी फैमिली बनानी है, आप जो है वो बायो पढ़ के तुम नहीं बना सकते। मतलब उन्होंने मुझे देखो कंप्यूटर साइंस दिलवा दी। तो मैं, यही सवाल है, लेकिन खैर उस वक्त मुझे ये लगा कि दिस उसके बाद ये हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि बस अब मेरी जिंदगी खत्म हो गई, अब मेरे आगे कुछ भी नहीं है, देयर इज नो फ्यूचर फॉर मी, और मैं जबरदस्ती उसको पढ़ रही थी। लेकिन इसके साथ साथ जब अब मेरा थॉट प्रोसेस मजीद बढ़ा और भाई एक आपका शऊर बढ़ता है जाहिर है उम्र के साथ और आप मुख्तलिफ सोच आपकी आती है, तो अब मुझे ऐसा लगने लगा कि वो लोग जो डॉक्टर्स हैं या जो इस तरह के यू नो जो भी प्रोफेशन, ये वाले जो प्रोफेशंस है ना उसमें उनकी लाइफ इतनी टॉक्सिक हो गई है लिटरली। अगर आप जाकर उनसे बात करें तो जो कॉर्पोरेट माइंडसेट हो गया है और जो वहां का सेटअप है इतना टॉक्सिक है, और मैं तो ये कभी कर ही नहीं सकती थी। तो अब मैं इसको अपने लाइक यू नो मैंने इसको मोल्ड कर लिया कि नहीं, दिस वॉज फॉर मी और दिस इज अ बेटर वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। मैं तो वहां कभी काम ही नहीं कर पाती। तो इट्स नॉट दैट के मतलब मैं उसको किसी भी चीज को अपना फेलियर समझूं, वॉट एवर थिंग आई एम इन मुझे उसको अपने हिसाब से मोल्ड करना आना चाहिए। नीड टू एडजस्ट आवर लेंस ऑफ लुकिंग एट लाइफ अकॉर्डिंगली। और तुम जो स्कूल की बात कर रही हो कि और करियर चॉइसेस जो आगे जाके कभी कभी टॉक्सिक भी हो जाती है, बिकॉज अब मुझे लगा थैंक यू अम्मी आपने मुझे वहां से निकाल लिया और मैंने साइकोलॉजी पढ़ ली उसके बजाय। हम तो वर्क लाइफ बैलेंस सिखा ही नहीं रहे, हमें खुद भी नहीं आता। उस दिन तस्मिया ने जो है ना मुझसे एक सवाल पूछा कि एक चीज़ के बारे में कि मैं इस टास्क को दिन में कितने कितने घंटे देती हूँ, एंड उस वक्त तो मैंने तस्मिया को घोलमोल कर दी वो बात। लेकिन बाद में मेरे हस्बैंड ने मुझे रियलिटी चेक दिया कि तुम कितना टाइम देती हो, तुम तो हर वक्त लगी रहती हो, कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं है। सो व्हेन देयर इज नो टाइम मैनेजमेंट एट योर एंड देयर इज नो वर्क लाइफ बैलेंस, एंड व्हेन देयर इज नो वर्क लाइफ बैलेंस यू आर रुइंड। मतलब पेरेंट्स को एक टिप है भाई, हर जगह से मोटिवेशन निकल रही है यार। बेटा आजकल जो ना मोटिवेशनल स्पीकर बड़े रडार पे हैं। एक और नहीं, नॉट दैट काइंड ऑफ मोटिवेशन, बच्चों के लिए मोटिवेशन के बच्चे किस तरीके से भाई घर का काम नहीं करते, बच्चे घर का काम उनको बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होते। हाँ पेंटिंग वेंटिंग कबाड़ फैलाने के लिए होता है, हमें कोई बोलेगा घर के काम करो तो हम इंटरेस्ट करेंगे, तो हम अपनी अपने ऊपर रख के देख लेना चाहिए। ठीक है, ओके, सो वी नीड मोटिवेशन एज वेल, सो आई एम श्योर यू मस्ट हैव गिवन सम मोटिवेशन। मोटिवेशन के लिए मुझे बड़ा फाइट करना पड़ा था कि क्या मतलब मैं मोटिवेशन दूं बच्चों को कि वो घर का काम इस तरीके से करें। सो क्या लालच दी तुमने? लालच मैंने ये दी सही, दे यूज्ड टू फॉलो सम किड्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया और उनकी व्लॉग्स और इस तरह की चीजों में बड़ा इंटरेस्टेड होते थे और उनका एजुकेशन और वो सब। तो उनको ये हो गया कि हमने ना बाहर ही जाके पढ़ना है और हमने वहां पे जाके अपनी स्टडीज कंटिन्यू करनी है। तो मैंने कहा बेटा बाहर जाके पढ़ कैसे पढ़ोगे, वहां तो अकेले जाना पड़ेगा। तो उस पे जो है उन्होंने कहा हाँ ये तो है, और वहां पे मैंने कहा सब खुद करना पड़ेगा, तो सब खुद करने के लिए कुछ तुम्हें काम चाहिए होंगे जो सीखने पड़ेंगे, जो सीखने पड़ेंगे। फिर उनको मोटिवेशन आई कि नहीं वी नीड टू लर्न एवरीथिंग, अब हम वहां जाए तो हमारा टाइम उसमें वेस्ट ना हो कि हम बाकी चीजें सीखने सिखाने में लग जाए, हम जाएं अपने गोल पे फोकस्ड हों और हम अपना काम करें। यू केम अप विद सम अमेजिंग अगेन अ वेरी बिग लाइफ के गोल सेटिंग या पर्पस। जैसे ही आपके बच्चे बड़े होने शुरू हो जाते हैं तो आपका कंट्रोल पीछे होता चला जाता है और आप उसमें फिर आपकी काम आती है पेरेंटिंग, जो आपने बचपन से एक हैबिट के तौर पे उनको सिखाई होती है। लेकिन यार वो बिगर पिक्चर को देखने वाला भी है ना। अगर मैं एक बहुत ही हार्श बात करूं कि मुझे अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है चाहिए, लेकिन वो डॉक्टर बन के अगर उसमें एम्पैथी नहीं है तो आई फेल्ड एज अ पेरेंट। बिल्कुल। एक और चीज जिस पर हम बात करना रह गई थी, कोलैबोरेशन। हम जो 4 C's की बात करते हैं कि कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, उसमें कोलैबोरेशन पे ना हमारे माइंड में सिर्फ एक चीज है, स्कूल के प्रोजेक्ट्स में टीम बन गई या ऑफिस में टीम्स बन गई, वो टीम वर्क हुआ एंड दैट्स अ कोलैबोरेशन। भाई इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू दिस, हमारे बच्चों को या हमें, हम जब कोलैबोरेशन की बात करते हैं तो इट कुड बी अ बॉन्डिंग बिटवीन रिलेशनशिप्स। मेरे और मेरे बेटे का कोलैबोरेशन, मेरे और मेरे हस्बैंड का कोलैबोरेशन, जो कि मेरा बेटा देख रहा है और वो आगे जाके उसको इम्प्लीमेंट करेगा। एंड देन आपका टीचर और बच्चे की कोलैबोरेटिव एफर्ट, बच्चे और उसके दोस्तों की कोलैबोरेशन। फिनिश, हाउ यू आर डीलिंग विद अदर मेंबर्स ऑफ योर फैमिली, जो कि आपके फैमिली में इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, यहाँ से आता है आपका हाउ यू आर डीलिंग विद द सोसाइटी। आप अपने नेबर्स में किस तरीके से मिलते जुलते हैं, उनका आपका रवैया, ये सब बच्चे देख रहे होते हैं, ये सब बहुत मैटर करता है यार। आपको बच्चों को सिखाना पड़ता है कि किसके लिए आपके एक एक्ट
पे किस किस को फर्क पड़ेगा. Exactly. You are responsible for that. How you are talking to that rishtedar whom you don't like. Whom that you matters. Don't like. You have to be respectful. You have to be मेहमान नवाज. अगर आपके वो घर में आए हैं तो आपको उनको अटेंशन देनी पड़ेगी if you like it or not. तो ये सब चीजें बच्चे देखते हैं और सीखते हैं. और यार ऐसा नहीं है कि हमें जो है ना जरूरी है कि अगर किसी को हम लाइक किसी से हमारी वैल्यूज अलाइन नहीं कर रही है किसी से हमारी यू नो सिंक्रोनाइजेशन मैच नहीं कर रही तो जरूरी नहीं है कि हम एक डिसरिस्पेक्टफुल मैनर कैंसिल कल्चर कैंसिल कर दें. हमारा दीन भी हमें सिखाता है कि हम तमीज से दूरी अख्तियार कर सकते हैं और लेकिन तमीज के एलिमेंट वहां पे होना चाहिए. मुझे एक चीज जो बहुत ज्यादा परेशान करती थी ये सब चीजें अपनी जगह पर हैं. हम क्या सिखा रहे हैं हम क्या नहीं सिखा रहे हैं क्योंकि हम इस दुनिया में ना तो हम उसी के हिसाब से चीजों को देख रहे हैं. जैसे मैंने शुरू में कहा था कि मैंने उनको कभी अपना बच्चा नहीं दुनिया की आंख से मैंने उनको देखना सीख लिया था. तो अब जो है वो मुझे एक और सवाल जो बहुत ज्यादा पिंच कर रहा था वो ये था कि क्या ऐसे भी कुछ लोग हैं जो पहले हमसे पहले गुजरे और उनकी जिंदगियों में ही उनको भाई जन्नत की बशारत मिल गई विदाउट गोइंग टू एनी स्कूल्स कॉलेजेस कोई बहुत बड़े इस तरह की चीजें करे हुए बहुत स्किल्स सीखे हुए फॉर दैट मैटर. हमें सीखनी है वो सब चीजें हैं लेकिन हम अल्लाह ताला को भी राजी कर रहे हैं या नहीं. मुझे इस सवाल ने बहुत तंग करना शुरू कर दिया. ये एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन है डेफिनेटली कि आप किस तरीके से अपने रब को जो आपका क्रिएटर भी है क्या आप उसकी मर्जी के मुताबिक भी जिंदगी गुजार रहे हैं. आप क्यों हैं आप क्या हैं आपका आगे का क्या पर्पज है और आपकी डेस्टिनी क्या है आप कहाँ पहुंचने वाले हैं. तो मेरे ख्याल में जो पर्पज ऑफ लाइफ बहुत ज्यादा एक बहुत जरूरी हो गया. और आपकी अगर जैसे कोई भी स्टेप अगर वो लिया जाए तो उसको अगर आप अपने सामने एक ये सेंटेंस रख लेना क्या इससे मेरा रब भी राजी होगा या नहीं तो वो बड़ा आसान हो जाता है आपके लिए डिसाइड करना कि आप क्या डायरेक्शन ले रहे हैं अपनी जिंदगी में. सम थिंग्स यू डू फॉर द यार जब रब को राजी करने वाली बात है और अपने वैल्यूज और मॉरल्स पे तो मेरे ख्याल में अगर हम फॉलो कर ले तो हमारे अंदर लाइफ स्किल्स खुद ब खुद डेवलप हो जाएंगे भी आ जाएगी कंपैशन भी आ जाएगा एंगर मैनेजमेंट जब कहते हैं कि गुस्सा करना हराम है एंगर मैनेजमेंट स्ट्रेस मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट जो सबसे ज्यादा जरूरी है वैल्यू कदर बी काइंड बी पोलाइट सारी लाइफ स्किल्स जो ना एक उसमें आ जाएंगी. हमें अपना बिजनेस लेंस चेंज करने की जरूरत है. सो गाइस व्हाट्स द कंक्लूजन हम क्यों चले उस राह पर जिस राह पर सब ही चले क्यों ना चुने वो रास्ता जिस पर नहीं कोई गया. ऑन दैट नोट हम यहाँ से आपसे इजाजत चाहेंगे और अगर आप इसी तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में मेंशन करें और हमें बताएं कि हम लोग किस टॉपिक पे नेक्स्ट बात करें आपसे. स्टे कनेक्टेड टेक केयर अल्लाह हाफिज़.